हाय दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अनिश्त एक्सप्लोरर में। आज का हमारा टॉपिक है कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट बोलेंगे तो कि जब भी आप एक कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, क्योंकि आजकल की जो हमारी लाइफ है, पीसी, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये हमारी एक जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हिस्से बन चुके हैं। तो जब भी हम काम करते हैं कंप्यूटर पे, जो चाहे वो लैपटॉप हो या आपका डेस्कटॉप हो, जब भी आप उस पर कुछ लाइक कॉपी एंड पेस्ट करना है तो आप उसको एक मैन्युअली सिलेक्शन करते हो। तो सिलेक्ट करके आप उसको पहले राइट क्लिक करके कॉपी करते हो, फिर दूसरे पेज पे जाके पेस्ट करते हो। तो आज मैं जो आपको एक तरीका बताऊंगा, उसमें आता है रोल आता है कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और अगर आपको पूरा पेज सिलेक्शन करना है तो उसमें आता है कंट्रोल ए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं अभी वो कैसे करते हैं। तो लेट्स प्रोसीड टू द सिस्टम। चलो जस्ट एक आर्टिकल खोल देते हैं, ऐसे ही कोई भी, यही पकड़ लो, विकिपीडिया खोल देते हैं हम। तो जैसे हमने विकिपीडिया खोल दिया, इसमें हम जाएंगे, जस्ट एक छोटे से आर्टिकल को चेक करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की मेरे ख्याल से आज बहुत जनों को पता है, हो सकता है आप सभी जानते हो ये शॉर्टकट की, पर ये जो न्यू बिगनर्स के लिए शॉर्टकट की बहुत ही कामदायक है, कि बहुत ही यूज़फुल है जब भी आप कुछ करते हो। तो बेसिकली कंट्रोल ए आपके लिए उतना शायद यूज़ ना हो, क्योंकि अगर आपको सिर्फ इतना सा पोर्शन सेलेक्ट करना हो, फॉर इंस्टेंस गिव मी अ बुक तक, तो आपको कंट्रोल ए काम में नहीं आएगा। कंट्रोल ए समथिंग, अगर मुझे ये पूरा का पूरा पेज कॉपी करना है तो आप एक जगह पर क्लिक करो और आप इसको कंट्रोल ए क्लिक करोगे, जैसे ही आप देखोगे कंट्रोल ए हम करेंगे तो ये पूरा का पूरा सिलेक्शन हो जाएगा, फुल पेज आपका सिलेक्शन में आ जाएगा। तो बेसिकली अगर आपके पास कुछ पेज है, वो चाहे पीडीएफ से आप कॉपी कर रहे हो, या आप किसी वर्ड या कोई नोटपैड या कोई भी एक डॉक्यूमेंट हो जिससे आप पूरा का पूरा पेज कॉपी करना चाहते हैं, तो ही आप कंट्रोल ए दबाइए। कंट्रोल ए इज़ टू सिलेक्ट द एंटायर पेज। तो उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे अगर आपको इसकी यूज़ ना है तो। तो बेसिकली जो हमारा मेन की फीचर है वो है कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो अभी हम देखेंगे, हमने यहाँ तक इसको सिलेक्ट किया इतना सा, चलो हम टाइप से सिलेक्ट करते हैं इसको। आप जैसे ही लेफ्ट की क्लिक करके आप इसको ड्रैग करते हो गिव मी अ बुक तक, फिर हम प्रेस करेंगे कंट्रोल सी। कंट्रोल सी वो आपको स्क्रीन पे ऐसे कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं दिखाता कि आपका कुछ रिकॉर्डिंग हुआ है या उसमें कुछ कॉपी एंड सेव हुआ है। तो चलिए हम ऐसे एक वर्ड पैड खोला हुआ है, इस वर्ड पैड में हम यहाँ आएंगे और इसको आपको जहाँ पे भी कॉपी करना है आप वहाँ पे क्लिक करेंगे और आप प्रेस करेंगे कंट्रोल बी। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको आपके कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी का यूज़ आ जाता है। और यही नहीं, इसमें बहुत हैंडी हो जाता है, सपोज़ आपको अभी इस आर्टिकल के बाद आपको कुछ अलग से कॉपी करना है, लेट्स से नेगेटिव आर्टिकल, हम नेगेटिव एन से क्लिक करेंगे यहाँ तक, ग्रीन हॉर्न नो डॉग, उसके बाद हम फिर से प्रेस करेंगे कंट्रोल सी एंड देन आप वो पेज पे जाओगे जहाँ पे आपको जाना है, देन यू क्लिक कंट्रोल वी। देखिए कुछ इस तरह से। तो बेसिकली यूज़ करना कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी को बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, जैसे कि आपने देख लिया कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो बेसिकली अगर आप इसको यूज़ करते हो तो डे टू डे लाइफ में आपके लिए बहुत ही कारगर है, बहुत ही यूज़फुल की है ये। ये लेट्स से अगर मैं सिस्टम पर बैठा रहता हूँ तो मेरे लिए तो बहुत ही कामदायक है, मैं इसको बेसिकली यूज़ करता ही रहता हूँ। क्योंकि मुझे कॉपी पेस्ट का कुछ ना कुछ काम रहता ही है। तो चलिए अभी तो आपने वीडियो देख लिया है, अभी तो आपने देख लिया कि कैसे इस कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी का यूज़ होता है। अगर जस्ट इन केस आपको कुछ और सवाल हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेज दीजिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा, और ये जैसे छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं जब भी हम कंप्यूटर पर काम कर रहे हो और हमें काफ़ी
कॉपी पेस्ट का काम करना हो तो जैसे कंट्रोल ए हुआ, कंट्रोल सी हुआ, कंट्रोल बी हुआ। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल पे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आज सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वहाँ पे एक जो छोटा बेल आइकन है उसको भी क्लिक करना ना भूलें, कि जैसे आपको हमारे दूसरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।